हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाकर लाया हूँ कि PWG क्या होता है। अगर आपके रिजल्ट में PWG लिखकर आ जाता है या आप लोगों की बैक लगी होती है, तो अगर आप लोगों की बैक क्लियर नहीं होती है तो PWG कैसे लग जाता है, तो आप पास होंगे या नहीं होंगे, मैं आज में पूरे वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं। तो प्लीज़ 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 गाइस, जो कि फर्स्टली विजिट कर रहे होंगे चैनल को, तो सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग और प्लीज़ द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, जिससे मैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक अगर लेकर आऊँ तो वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग मेरा वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कोई भी क्वेरी चाहिए आपको रिगार्डिंग दिस वीडियो। चलिए चलते हैं, क्या होता है PWG। जैसे कि आप लोगों के रिजल्ट में PTNS मीन्स स्टूडेंट मट हैव गॉट इक्वल ग्रेटर देन 50% क्रेडिट इन अ सेमेस्टर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, अगर ये लिख के आता है तो PTNS का मतलब होता है पास का। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पास का मतलब क्या होता है, कि आप लोग प्रोमोटेड हो गए हैं। और अगर PCP लिख के आता है, अगर आप लोगों का प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों का कैरी ओवर है या फिर मतलब आप लोगों का बैक लगा हुआ है, तो आप लोगों के रिजल्ट में मतलब जैसे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है और आप लोगों का फोर्थ रिजल्ट आएगा, पूरा कंप्लीट रिजल्ट आएगा, तो आप लोगों के में PCP लिखा रहता है, जो कि थर्ड में आप लोगों को बैक लगी थी तो वो क्लियर नहीं हुई है। मतलब वो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑड ऑड इवन इवन होता है BTech में सिस्टम, और फार्मेसी में हम लोग किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो उसमें पास विद कैरी ओवर पेपर, उसमें ये बोला जाता है कि पास विद कैरी ओवर, मतलब कैरी ओवर के साथ में आपको पास किया गया। अगर आप लोगों का मतलब कैरी ओवर का एग्ज़ाम आप लोगों का भी नहीं हुआ था, तो मतलब आप लोगों को बैक आ गई है, तो ये चीज़ PCB का मतलब होता है। PCB PTNS का मीन्स होता है प्रोमोटेड विद बैक बट पास बाय क्रेडिट सिस्टम, मतलब बैक के साथ आप लोगों को प्रोमोटेड कर दिया गया है, बस क्रेडिट सिस्टम के थ्रू पास कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, PCPA मीन्स स्टूडेंट गॉट मतलब 1000 मार्क्स, दे हैव बिलो 4 बैक, और 4 बैक से कम है तो उनको PCPA मतलब होता है। अब आते हैं PWG की तरफ, जो कि मतलब होता है मेन, कि मीन्स स्टूडेंट गॉट 1000 मार्क्स बट गॉट बैक इन एनी सब्जेक्ट बट यूनिवर्सिटी AKTU गिव हिम हर ग्रेस मार्क्स, जिससे क्या होता है कि ग्रेस मार्क्स दे देता है। अगर आप लोगों का एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर दोनों ईयर दोनों सेमेस्टर के मिला के देखा जाए, अगर जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो आप लोग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का अगर देखा जाए दोनों का रिजल्ट मिला के, तो आप लोगों के में एक बैक है, तो आप लोगों को अगर जैसे 21 या 22 नंबर्स हैं, तो आप लोगों को 8 या 10 नंबर देकर आप लोगों की बैक क्लियर कर दी जाती है, जिसमें से दिया जाता है पास विद ग्रेस। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पास विद ग्रेस आ जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता रिजल्ट में, तो वो लोग दोबारा से अपना बैक का पेपर देते हैं, जिससे कि अगर उनकी बैक क्लियर हो जाती है तो पास विद ग्रेस हट जाता है। अगर आप लोगों को नहीं देना है तो आप लोग पास हो गए, ग्रेस हो गए, PCP लिख के नहीं आ रहा है आप लोगों के में, तो ये मीन्स होता है PWG का, मतलब आप लोग ग्रेस के साथ पास हो जाएंगे। अगर आप लोगों का मन है, आप लोगों को अगर मतलब बैक का पेपर देना है तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आप लोग नहीं दे सकते हैं। और PWGS मतलब मीन्स होता है स्टूडेंट पास विद ग्रेस बाय स्पेशल मार्क्स रूल्स, क्योंकि स्पेशल मार्क्स रूल दिया जाता है AKTU की तरफ से, हर एक क्राइटेरिया का स्पेशल मार्क्स रूल है जो कि दिया जाता है, तो वो आप लोग PWG का समझ गए होंगे। और आप लोगों के में अगर लिख के आ रहा है पास विद ग्रेस, तो आप लोग जरूर 100% आप लोग बैक का पेपर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं क्लियर कर लूँगा, जिससे पास विद ग्रेस आप लोगों का हट जाएगा, तो 1000 रुपीज़ लगता है आप लोगों का बैक पेपर का, जब एग्जाम फॉर्म आते तब भी आप लोगों को ये भरना पड़ता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय जवान जय किसान।